एंड अल्कोहल कंजम्पशन इज इंजूरियस टू हेल्थ। धूम्रपान और मध्यपान सेहत के लिए हानिकारक है। भाई साहब पैसे 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 आओ। अरे अभी दे रहा हूँ, चल भाई। अरे चल अभी दे रहा हूँ। एक दो तीन चार पाँच छः सात। सलाम आते रहो ऐसी। नौशा मेरे चिकन के। चिकन के कितने? 10,000 रुपए। 10,000? बर्ड फ्लू चल रहा ना, कई को तो भी लाया लोगा तो खाए ना। अरे शादी मेरी लोगों को खिलाया, हौला हो गया। सुहागरात की चक्कर में चिकन मैंने खाया। ऐसी बोलते खाने के बाद। भाई मेरे पानी के कितने? 2,500। हाँ नौशा, नौशा इधर। अब क्या है तोशा? तुम्हारे सुहागरात का पलंग मैं सजा, हमारे को भूल जाते। फिर कई को कर रहे गोशा? मेहनत तेरी, सुहागरात मेरी, ये दिन का मेरे को कई दिन से इंतजार था। एले 500 रुपए टिप। शुक्रिया नौशा। अरे जमाल, दुल्हन भाग गए रे, उसके एक पुट्टे के साथ आशा थी, डेरे के पीछे से लेके चल दिया। अगे मैरून, तू काई को करेगे मेरे साथ ऐसा?
नूरजहां, कहां चले गए थे तुम नूरजहां? कितना ढूंढा मैं तुम्हारे को नूरजहां, नूरजहां मेरी प्यारी नूरजहां। शुरू हो गया तुम्हारा? निकाह मेरे से पड़ा है, ख्वाबों में नूरजहां के साथ वलीमा कर रही। मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ, बाजू की दुकान से दूध की पैकेट ला लो अगर तुमको चाय पीना है तो। अगर भूख लगी तो? आगे जाके इडली डोसा की बंडी भी है, नाश्ता भी कर लो अगर तुमको भूख लगी है तो। आ, सब बाहर करना है तो मैं तुम्हारे से शादी कहीं करा भाई? फिर जाओ जाओ, खुदा हाफिज। अच्छा जाते आते एक बासी मुझसे शेर तो सुनते जाओ। बासी मुझसे शेरा नहीं, कीड़े निकलते कीड़े। ऑफिस को जाओ, वहाँ पे लोग आके इंतजार में बैठे हुए, फोन आया था, शेरा सुनाते कहते शेरा। तेरे को शेर नहीं सुना दूंगी, एक दिन जुमे ले जाके असली शेर के सामने डिनर बना के डाल देता हूँ तेरे को। तू है रे नासूर मेरी जिंदगी का, तू अगर तू उंगली नहीं करता ना तो आज ये बुलडोजर मेरी जिंदगी में नहीं रहता था। हाँ जलील मियाँ। हाँ भाई। हाँ कल तुम्हारे को जोड़े की रकम दिला रहा हूँ, जरा बालों को कलर करा के आ जाओ, एक भी बाल सफेद नहीं दिखना, क्या बोल रहा हूँ? शुक्रिया बड़े भाई शुक्रिया। ठीक है चलो। हाँ बोलो अम्मा, किसके वास्ते होना रिश्ता? इनके वास्ते। इनु कौन है? मेरा बेटा है, एक लुता एक है, मैट्रिक पास है, 3 साल से सऊदी में नौकरी कर रहा है। क्या काम करे मियाँ तुम? पेट्रोल पंप पे करा भाई। अच्छा क्या डिमांड है आपके? देखो बावा, लड़की दुबली होना, गोरी होना, पैसे वाली होना, पूरा दहेज देना, अलमारी पलंग सिंगारदान फ्रिज एलसीडी टीवी और एक मारबत्ती दिला दिए तो बहुत अच्छा था। एक बात बोलूं अम्मा? हाँ बोलो। जो भी आ रहा उसको लड़की गोरी होना, दुबली होना, पैसे वाली होना, तो फिर ये मोटी बच्ची गरीब बच्ची कहाँ जाएंगे? इन लोग काले बच्चियाँ कहाँ जाएंगे, कौन कर लेंगे इन लोग को? हाँ जोड़े की रकम कितनी सोचे? जोड़े की रकम 20 सोची बावा। 1000? आई अच्छा ही बोले 1000। 20 लाख? आए 20 लाख? 20 लाता ना कोई, इसको कौन देता जी ये चिलगोजे को 20 लाख रुपए? हाँ पेट्रोल पंप पे काम करता, पेट्रोल पंप का ओनर नहीं है समझे? मट्टी पड़ो तुम्हारे मुँह पे। हाँ? मेरे बेटे को चिलगोजा बोलता। अरे जाओ अम्मा जाओ यहाँ से, ना तो ये घुसड़ी डाल दो इसको, ले जाओ इसको, ले जाओ ले जाओ यहाँ से। नूर जहां, शाहजहां, प्यार इश्क मोहब्बत करने वालों के गॉडफादर। सर वो इतना शाहजहां जो ताजमहल बनाया सो। हाँ वही शाहजहां, प्यार इश्क मोहब्बत करना सीखो शाहजहां से, उनके जैसे इन्वेस्टमेंटों पे नको जाओ पैदल हो जाएंगे। तो याद रखो, प्यार दो प्यार लो मगर शादी नको करो। और पवन भाई आपका कैसा चल रहा? सुपर सर सुपर, वेरी गुड वेरी गुड। और मुबशीर आपका? सर मेरी पट्टी कॉलेज की गेट के बाहर मेरे को देखती के अंदर भाग जा रही। ओ लड़की आपको देखते कॉलेज की गेट के बाहर निकल के वापस कॉलेज में भाग जा रही। हो सकता है वो आपकी भोली सूरत देख के शर्मा जा रही हूँ। मगर मायूस मत हो, आज नहीं तो कल कामयाबी जरूर मिलेंगी। वैसे भी मस्तान कॉलेज ऑफ लव का कोई स्टूडेंट आज तक फेल नहीं हुआ। मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स पूरी दुनिया के गली गली कोने कोने में नाम कमा रहे और माल भी। तो आज के क्लासेस यहीं पे खत्म करेंगे और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीक। जाने वालो जरा मुड़ के देखो इधर, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारा। कितना हैंडसम है ना, पर आंखों से अंधा है और सैड ना। अरे हाँ इन्हें मेरे को इंग्लिश फिल्मों का हीरो दिख रहा। हाउ सैड ना। कोई रिस्पांस नहीं है, गाना चेंज करना पड़ेगा। गोरों की नकालों की दुनिया है दिल वालों। ओह माय गॉड, कहीं मार तो नहीं लगी ना आपको? उठो उठो, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? ऐसे मारों और दर्दों की तो आदत हो गई मेरे को। वैसे आप कहाँ रहते हो? ना मेरी कोई मंजिल ना मेरा है ठिकाना, मैंने तो यारों सीखा अंधेरों से दिल लगाना। वैसे तो मैं हैप्पी होम्स में रहता हूँ मगर मेरी लाइफ बहुत अनहैप्पी है। चलिए हम आपको छोड़ देते हैं। ट्रिपल राइडिंग में पुलिस वाले डाल लेंगे ना? हम गली गलियों में से जाएंगे, कोई भी नहीं मिलेगा वहां।
आप लोग कितने अच्छे हैं आप लोग खुद नहीं मालूम। अच्छा रात बहुत हो गई होंगी ना? नहीं अभी तो दिन नहीं है। आप लोग खाना खाए? हाँ खा लिए। आप? सैंडविच से पेट भरे हुआ है। अरे सामने आ जाओ ना। अंधे हो ना? ऑटो कैसा दिखा तुम्हाको? हाँ व्हाट मिस्टर, नाटक कर रहा था क्या रे? सैंडविच अच्छी थी तेरी तो। हमारे सुराग भाई यहाँ कोई आए थे क्या मेरे लिए? दावत-ए-शादी.com से। कौन है तुम? मेरा नाम अब्बास है, हुसैन भाई का बेटा हूँ, कार मैकेनिक। नहीं पहचाने? नहीं पहचाने। अच्छा गुंटूर के है क्या? मैं समझा हैदराबाद के। हैदराबाद में बच्चा बच्चा पहचानता अपने को। आदि चाय एक दो बिस्किट आ दो भेजो टेबल पे। हेलो आप अब्बास है ना दावत-ए-शादी.com से? कोई शक? कोई शक नहीं। कहाँ से शुरू करेंगे? क्या आई मीन शादी की बात। शुरू करो। मायसेल्फ मिर्जा अब्बास जुल्फिकार, वालिद का नाम मिर्जा हुसैन जुल्फिकार, सुल्तानशाही में दौलत खाना है, घर में इंग्लिश नहीं इंडियन पैखाना है। बाबा कार मैकेनिक थे, अपन मोबाइल मैकेनिक है। अफसोस मेरे वालिदे नहीं रहे। अपनी एज 27 साल है, अखलाक माशाल्लाह बहुत अच्छे है, अब तक कोई आशिकी नहीं करा, मोहल्ले में बहुत इज्जत है अपनी, और दहेज के तो बिल्कुल खिलाफ हूँ मैं। मोहब्बत से आपके अब्बा जो दिए कबूल है। गाड़ी अपनी खुद के नीचे रखी हुई मारुति 800, शादी के बाद उसमें फिरना है अपने को। अब आप बोलिए आपका क्या ख्याल है? मेरा नाम साहिला है, रोड नंबर 10 पे रहती हूँ, बाबा के पास बहुत पैसा है, मास्टर्स पढ़ी हुई हूँ, डेली पब जाती हूँ, मिनी स्कर्ट पहन के पार्टी करती हूँ, रात को जागती हूँ दिन को सोती हूँ। मेरा एक भाई है वो भी ऐसे ही है, मैं सिगरेट भी पीती हूँ, घर में कोई रोक टोक नहीं है, 15-20 अफेरा है, एक से एंगेजमेंट हुई वो भी टूट गई। ये मेरा क्लास है और मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि तुम मेरे क्लास के नहीं हो। ब्लडी मास। एक मिनट, मालूम हो गया तुम्हारा क्या क्लास है। वैसे तो अपन मास है, मास रहते हुए भी जितनी तुम आग लगाए ना मैं उसका आधा भी बड़ी मुश्किल से कराऊंगा। लड़की होते हुए बाहर अय्याशी करना जिसको तुम बिंदास रहना समझते, तुम्हारे अम्मा बाबा तुमको कई को नहीं रोके मालूम? कई को बोलते तुम जो जिंदगी जी रहे ना तुम्हारे अम्मा बाबा भी वैसी जिए। फर्क तालीम देने का है, जो मदरसे में पढ़ेंगे ना वैसी तालीम मिलेंगी। इतना लो ग्रेड तुम्हारा क्लास है और अपने फखर है अपन मास है। खुदाफिस। हट चिपड़ी। अब मेरा रिश्ता सिर्फ एक ही आदमी लगा सकता, वो है गोरे भाई, लेकिन उससे पहले अब्बास को मस्तान से मिलना पड़ेगा, एक जबरदस्त सस्पेंस फिल्म बनाने। क्या हुआ साहिला? लुकिंग टेंस? दो टके का लौंडा मेरे को औखात दिखा दी आज मेरी। कौन है साला? उसकी भेजे की जगह गोलियां भर दूंगा मैं। Do whatever you want to. I'll never forget that guy. वो सब छोड़ो, तुमको शादी करने का भूत चढ़ा था ना, क्या हुआ उसका? मेरे भाई दानिश, I am happy with my affairs. तुमको करना है तो करो शादी। चलो छोड़ो, वैसे भी मैं तुमसे बड़ा हूँ, मेरी शादी पहले होगी, लेकिन पहले जिंदगी का और मजा ले रहे तो। अरे ये कहाँ लिया भाई, लड़की दिखाता हूँ बोल के। अरे यहाँ पे लड़की नहीं लड़कियां रहते, इसको बोलते डिस्को पब। क्या बोलते? डिस्को पब। अच्छा गोरे बेकन जा रहा था, खाली पीली तेरे चक्करों में आके यहाँ आ गया मैं। हाय मस्तान, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? हेलो गोरे भाई, बाद में मिलते हैं। मस्तान कहा कि मेरे को डिस्को को लेके आया, देखो बंजारा है इसमें, लड़की दिखाता हूँ बोल के। अरे तेरे से जबरदस्त रिश्ता देख के रखा हूँ, तू जा है वहीं ठहर, वहीं आ रहा हूँ। ओके मैं नहीं आ रहे भाई। जूनियर्स कभी भी सीनियर्स की बात सुनना, चल तू मेरे साथ। आ मामा। और मामा आना। मामा
శంకర్ అన్న నంబర్ ఉందా నీ దగ్గర? ఆ ఉందన్న. తర్వాత నాకు ఈ పని ఉంది. సరే అన్న. अच्छी पहचान है तेरी बड़े बड़े लोगों से. ये लोगों का कारोबार अपने से लोगों के वैसे तो चलता रहे भाई. अच्छा तू बोला था ना हंगामा रहेगा नाच गाना रहेगा, यहाँ तो पूरे सुस्त बैठे हुए ना रे. अब अपन आ गए ना, तू खाली देख. हे ब्रो व्हाट्स अप? या ब्रो. ये क्या म्यूजिक है यार? वो लगाना अपना हैदराबादी. ओके मस्तान भाई. ये मुर्गा लगाएंगा अब गाना. मुर्गा कहीं को बोल रहे उसने? बालां तो देख उसके. अरे ऐसे ही बालां लेके बहुत मुर्गे फिर रहे हैं शहर में. Cool man. Come on, sweetheart. You don't. Bye. कौन है वो? वो रहा. Sorry, मैं डांस नहीं सीखा था. तू डर रहा है गोरे? जाके मारना. कहाँ है रे वो दोनों साले? मैं तुम्हारे सालों को नहीं पहचानता हूँ. उसको मार लेता हूँ और उसके साथ जो चार मुस्टंडे हैं ना, वो लोगों कैसा मारूं? क्या तेलुगु पिक्चरों का हीरो दिख रहा हूँ मैं? इतना चाहे तो तू जाके मारो लोग. दोनों सालों को ढूंढ के लाओ रे. नहीं नहीं गुरे भाई संभाल लेता. चल फिर अपने अपने गिटारा पकड़ के बैठ जाएंगे. नहीं चाहते हुए भी आंखों का जीना हो जा रहा. ये किससे घस लिया रे भाई तू? उसकी बहन को देख रहा. उसकी बहन से मेरा रिश्ता होने वाला था, रिजेक्ट कर दिया, इसलिए रेस हो गया शत प्लेयर. अच्छी से ना रे. ऐसे जगहों पे आने वाले अच्छे रहते. सही बोल रहा. ए बंद क्यों किया? लगा हैदराबाद जिंदाबाद. जरी अखल नहीं है तेरे को, कहीं को लेके आया इसको नाच गाना दिखाने? हां तुम भी तुम्हारे जमाने में गए होंगे ना मुजरा देखने. तेरे से तो बाद में बात कर दूं. और तू क्या रे? तेरे को बोला ना मैं तेरे वास्ते अच्छा रिश्ता देख के रखूं बोल के, फिर कहीं गड़बड़ी कर रहा? इनेस लेके आया भाई मेरे को. फाइट तो मेरे को पड़ी ना. कहां इधर दिखाओ. लाइट पड़ाना यारो, सुबह तक कम हो जाता. देखा मारा नहीं एक्टिंग कर रहा. वो सब छोड़े जी गोरे भाई, वो तुम मेरे वास्ते अच्छा रिश्ता देखे ना जी, बताओ ना जी. हेलो गोरे भाई, वो फोटो और बायोडाटा मंगाए थे ना बच्ची का? माशाल्लाह लड़की की फोटो देखते मालूम हो रहा है इन्हें कितनी खूबसूरत भी है और कितनी खूबसूरत भी है. लड़की के माँ बाप का नाम क्या है? बाबा का नाम तो नहीं मालूम, अम्मा का नाम नूरजहां है. अस्त्र लपक नहीं छे. ने कोई सा कुत्तों को बुला दे. जा मेरी प्यारी नू जा. लो मैं आ गया. अरे आओ. इतनी रात को क्यों आए तुम? मैं ये बोल रहा था कि अम्मी उठ जाएंगे बाद में बोलो. जाओ नींद से उठेंगे, दुनिया से थोड़ी उठेंगे. तुम जाओ. मैं ये बोल रहा था इससे पहले कि मेरा बैलेंस आउट हो जाए, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ. बहुत दर्द भरी स्टोरी है गोरे भाई तुम्हारी. भाई तुम्हारी स्टोरी सुन के हैबत हो रही. खुदा के वास्ते मेरा ये रिश्ता कैंसिल ना को करो, वो जमाने के बाद एक बच्ची पसंद आई. तू फिकर ना को कर, मैं जैसा सोच रहा हूँ अगर वैसी छुआ तो एक नहीं दो दो रिश्ते होंगे. अच्छा आ गए आप लोग? अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम. आई ले, पूरी उम्मीदों पे पानी फिर गया मेरी. आइए आइए तशरीफ लाइए. आप भी तशरीफ रखिए. नूरजहां दूल्हे वाले आ गए. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आज भी वही नूर है चेहरे में. यही है तुम्हारा गुलाबी सरा की? वही नीचे. ये किले वाले भाभी है क्या? और ये नीचे. अच्छा भाई अब क्या तुम इनके साथ निकाह पढ़ाने वाले हैं क्या? कोई शक नहीं. मर्द जिंदा होगा ना तो मार डालेंगे. माशाल्लाह आप फोटो से ज्यादा रियल में हैंडसम है. गोरे भाई तो बहुत हैंडसम है, खाली जरा हाइट से मार खा गए और उनके कारनामों से बस.
अच्छा मजाक कर लेते बेटे आप, मैं तो अब्बास की बात कर रही थी। इनको जरा गैर जरूरी मजाक करने की आदत है, बी सीरियस मैन। एक बात की खुशी है माशाल्लाह, आप लोगों के मुंह से कभी लेन देन की बात नहीं निकली। बेटी शाजिया, नाजिया को लेके आओ। आप लोग बैठिए, मैं अभी आई। मेरे से मिलने का बहाना दिख रहा है ये तो। जरा जरूरत को जाना था जी, आगे जाके लेफ्ट में। आखिर कब तो भी जरूरत पूरी होती की आदमी की। अच्छा मेरे को भूल के घर बसा लिए तुम? शर्म नहीं आ रही आपको? मेरी शादी हो गई, दो बच्चों की अम्मा हूँ। दो बच्चे? मेरे से शादी होती तो चार बच्चे होते थे। जाओ यहाँ से, कोई देख लेंगे। ये कीला मेरी जिंदगी का अमरीश पूरी बन गया, जिंदगी भर सता रहा मेरे को। अब जो हो गया सो हो गया, जाओ यहाँ से, वहाँ बच्चे आते होंगे। शोहर कहाँ है तुम्हारे? 2 साल हो गए इंतकाल के। कोई नहीं ले राजू, ये अल्लाह कैसे खुशियां दे रहा तुम्हें को छोड़। गोरे भाई कोई चिल्लर और छिछोरी हरकत तो नहीं कर रहा होगा ना? जाहिर सी बात है, अंदर अंगार लगा रहा होगा आदमी, पुरानी लव स्टोरी जो है। आ गया आदमी। गोरे भाई के ऐसा शरीफ और नेक इंसान मैं जिंदगी में नहीं देखा। क्या आदमी है रे भाई। और तेरे जैसा कमीना तो मैं जिंदगी में नहीं देखा। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वो जो अब्बास की होने वाली साली देख रहे ना तुम, उसका रिश्ता मेरे साथ हो जाना बस। उसका ऑलरेडी हो गया, भूल जा। वो सब नहीं मालूम मेरे को। तुम्हारी भी शादी हो गई, तुम भूले नूरजहां को अब तक? बोलना क्या चाह रहा तू? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर तुम्हारे को नूरजहां होना तो मेरे को भी ये हुरजहां होना, नहीं तो तुम्हारे घर पे जाके पोल खोला दूंगा पूरी। तू डोगला गया तू? बिल्कुल। एक जरूरी बात बतानी थी आपको। ये मेरी बड़ी बेटी है शाजिया, इनका रस्म पहले हो गया तो हम ला चाह रहे कि इनकी शादी हुए बाद अब्बास और नाजिया की कर देंगे। आंटी, शाजिया का रस्म किसके साथ हो? लड़के का नाम दानिश है, ये रही उनकी फोटो। जी, आइले पैदल हो गया इन्हें। ये कमीने के साथ शाजिया का रिश्ता। क्या बात है, फोटो ज्यादा पसंद आ गई क्या? अच्छा, अब्बास नाजिया का रस्म कब करेंगे? इंशाल्लाह इसी जुमेरात को। बहुत अच्छी बात है। बेटी शाजा, जरा वो फूला तो लेके आओ। जी मम्मी, अभी लाई। अरे भाई बुलाओ सबको जल्दी, रस्म के लिए देर हो रही। जी 2 मिनट मम्मा। बहुत अफसोस हुआ ये सुन के कि तुम्हारा एंगेजमेंट एक ऐसे लड़के के साथ हुआ, एक नंबर का आवारा, बदमाश, अय्याश और हरा। Excuse me, कौन है आप और आपको कैसे मालूम? हमारे को सब मालूम रहता, मगर कुछ भी नहीं मालूम है जैसा रहते। मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ तुम ये रिश्ते से खुश नहीं है। मैं इस रिश्ते से बहुत खुश हूँ, खुदा हाफिज। मोहब्बत से समझा रहा हूँ, समझ जाओ। वैसे जिस दिन अब्बास का रिश्ता लेके तुम्हारी बहन नाजिया को देखने आए थे ना, उसी दिन समझ गया था कि अब 3-3 शादियाँ हो। 3? ये तीसरा कौन है? वो सब तुम्हारे हुए। शाजिया जल्दी फूल लेकर आओ। आई अम्मी, तुम हटो प्लीज। अगर तेरे को अपने बच्चों की अम्मा नहीं बनाया तो मैं भी अपने बाप का बेटा नहीं। पूछे बाऊ बेगम आसे में क्या पता। शौर की न्यूज़ देख के खुश कर दिया आप मेरे को। अब जाओ यहाँ से, कोई देख लेगा। मैं बोल रहा था एक की बजाय 3-3 निकाह पढ़ा लेंगे। 3? ओ, शाजिया, नाजिया और आप मई। आप बहुत बेशरम हो गए। ये बेशर्मी का नाम तो मोहब्बत है मेरी जान।
love to love you baby रसम कर लेगी क्या? क्यों इतने उतावले हो रे बेटे? मैं वो रहा था नेक काम में देरी क्यों करना? लाओ जी। अरे अरे मैं पहना रही हूँ ना। पहन ले तो मुंह मीठा भी कर। सलामकुम नौशा मुझे साइड में आंटी ये लोकल के साथ आप अपनी बेटी का रिश्ता कर रहे हैं यू नो व्हाट ही डिड टू माय सिस्टर इंग्लिश मेरे को भी आती व्हाट डिड आई डू टू योर सिस्टर डिड आई स्क्रू हर हैप्पीनेस हाउ डेयर यू शट अप आई एम नॉट टॉकिंग टू यू ओके अरे हुआ क्या बोलो तो सही आंटी थोड़े दिन पहले मेरे को कॉफी शॉप में मिला था शादी के सिलसिले में इन्हों मेरे को समझ में नहीं आया मैं इनको समझ में नहीं आया खत्म तू मेरी बहन को गाली दिया देखिए दानिश साहब इज्जत बहुत महंगी मिलती मार्केट में और मेरे पास बेइज्जती के इतने अल्फाज है जो मैं आपको फ्री में नवाज सकता हूँ अरे तुरे बोलना छोड़िए पूछिए आपकी बहन से मैं इनको गाली दिया क्या गाली दिया मैं आपको अरे तुम लोग सभी ना छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना देते हो हाँ सही है फॉरगेट इट चलो रसम करते खाला शाजिया का रिश्ता इसके साथ आंटी मैं आपको बोला था ना अरे बाबा कूल डाउन ये सब बोला था अरे छोड़ो यार चलो 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 अरे आया तेरे को तो बाद में देख लेता हूँ क्या खाली कॉमेडी करता हूँ समझा मस्तान मेरी साली को लेके वो ज्यादा सीरियस हो गया आपको रसम मुबारक आपको बेवा मुबारक मेरे को कौन देंगे मुबारकबादी अरे वो छोकरा दानिश देगा ना तेरे को शादी का कार्ड शर्म है रे तेरे को देख रहे गोरे भाई मेरा मजाक उड़ा रहा दोस्त है रे तू दोस्त थू नहीं बोलना मैं ऐसा देख भाई मैं तेरे को जबरदस्त आइडिया दे दूं तू क्या कर उसके घर के सामने फील्डिंग जमा उन्हें कब आ रही कब जा रही देखते रहे सही बॉल देख के छक्का मार दे अरे तेरी सेटिंग तू खुद नहीं कर ले सकता हाँ शहर के लौंडे तेरे आइडिया लेके पुटियां पटा रहे हैं हाँ लव गुरु है रे तू लव गुरु आशिकों का आइडल जा मेरी दुआएं तेरे साथ हैं जा जा मेरे शेर जा कैसी थी मियां जज्बाती तकरीर जबरदस्त एमएलए की सीट पक्की है तुम्हारी मेरे कपड़े धोने का टाइम जुलाई का टाइम दिख रहा कब आती की यार इश्क भी क्या चीज है आदमी से क्या क्या करवा हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम आप यहाँ कैसे एक्चुअली शाजिया तुम्हारे कुछ बोलना था हाँ बोलो वो मेरे लाइफ में अब तक दो लड़कियां हैं एक जब मैं 7th क्लास में था 8th क्लास में आते उसके अम्मा बाबा उसको लेके अमेरिका चले इंटर सेकेंड ईयर में और एक लड़की आई मेरी लाइफ एक दिन उसके साथ डेट पे गया फिर एक हफ्ते बाद उसकी शादी अरब से हो गई शायद मेरी तकदीर में कुछ और ही लिखा था हाँ तुम क्या बोल रहे हो सब समझ रही हूँ समझ गए फिर क्या बोलते तुम्हारे को मालूम है ना कि मेरा रसम दानिश के साथ हो गया है तो तुम सही हो वन डे आई विल मेक यू माइन जिलानी जी भाई जाड़ों को पानी डाला बेटे डाल दिया भाई खुद्दूस कबूतरों को दाना डाला बेटे डाल दिया ना भाई तू बकरियों को घास डालना भूल गया हाँ भाई कैसे बचा रहा मैं कैसे बचा रहा ए साहब कौन है सलाम खैरियत इनो हीरो है भाई कॉलेज के पास आपकी बहन को बस चाय पीते आप नहीं नहीं भाई मैं पिला तू भी नहीं घर को जाते हाँ भाई आई एम सॉरी मैं आपको क्या पूछा घर को जाते क्या पूछा एडवांस बात आके कर रहा मैं जा रही हूँ कॉलेज को
बात कर लिए इनसे? नहीं करा, अब भी तो आया ही नहीं, चाय पीते का बोल के पूछा, नहीं बोला। अच्छा बात कर लीजिए, मैं जा रही हूँ, खुदा खुदा हाफिज। और बेटे? अब से नहीं करता भाई। खैरियत से? नहीं भाई। हाँ मेरे बहन को छेड़ता तू? नहीं भाई। हाँ ईव टीजिंग में अंदर भी कर दो, ऐसे को मैं फोन करके बोलता हूँ। भाई नको भाई, लेके जाओ इसको। दानिश भाई से कल मैं तुम्हारे बारे में बात करने वाली हूँ, कल बात कर लेती हूँ, परसों शादी, तरसों वाली माँ, क्या बोलते? मैं भी तुमको यही बोलने वाला था, मेरा रस्म हो गया, मैं यही हफ्ते शादी करने वाला हूँ, लड़की का नाम नेहा नहीं, शाजिया है। मजाक कर रहे क्या? मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, और तुम भी सीरियस हो जाओ। अगर ऐसा है तुम मेरे भाई को नहीं पहचानते? तुम मेरे को पहचान देना, जाओ तुम्हारे भाई को जाके ऐसी बोलो, दानिश मेरे को धोखा दे दिया, अब शादी नहीं करता मेरा। दानिश आई लव यू। जानू मैं कब बोला आई हेट यू? आई लव यू जानू, बट नाउ आई एम मैरिंग समवन एल्स। अब औकात पे आना पड़ेगा। तुम जितनी मेरी चाहत देखे ना, अब उतनी नफरत भी देखेंगे। हेलो इंस्पेक्टर। अरे दानिश तेरे को नहीं छोड़ूंगा रे मैं आज। अरे गाँव जिलानी। हेलो रे, ये गाड़ी को जान दो, ये गाड़ी जाने के बाद अपन जाएंगे। आते जाते रहना मियाँ, सेहत अच्छी रहती। अभी कितने दिन के लिए अंदर का रहता? पूछ के बोल तुम। किसको पूछते साहब? फिलहाल अंदर रहो, वो सब देखा जाएगा। मेरी मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं भी। खूबसूरत लड़कियाँ मेरी कमजोरी है। क्या? मेरा मतलब है खूबसूरत लड़कियों को अगर कोई सताए, कोई टॉर्चर करे तो मेरा खून खौल उठता। माय ब्लड बॉइल्स यू नो। ऐसे दरिंदों को तो सजाए मौत दे देनी चाहिए। एक काम करेंगे, उसको रोड पे लिटा के उसके ऊपर से रोड रोलर चला। नहीं 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 नहीं, रोड रोलर मत चलाना प्लीज, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे मरता हुआ नहीं देख सकती। यू हैव वन ऑप्शन, फर्स्ट यू डिसाइड, मार दिया जाए के छोड़ दिया जाए। एक काम करें, आप ऐसे भी करके उसकी शादी रुका दीजिए और मेरी शादी दानिश से करा दीजिए प्लीज। ठीक है आप जाइए, आई विल थिंक अबाउट दिस। ठीक है मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। अरे लेकिन आपने अपना नंबर तो दिया ही नहीं। सॉरी भूल गया, हियर इज माय कार्ड। लेकिन मेरा दानिश मुझे मिल जाएगा ना? लैला को मजनू से, शीरिन को फरहाद से कौन मिला है? लेकिन वो लोग तो मिले ही नहीं। लेकिन तुम दोनों जरूर मिलोगे। हाँ। ये मेरा चैलेंज है। हाँ स्वीट। डोंट फॉरगेट टू ट्वीट। श्योर। बाय। बाय। नेक्स्ट क्या कर रहा? कैंडी क्रश खेल रहा हूँ। अरे वो दानिश डाकू शादी की डेट भी पक्की कर लिया, कार्डा भी छपा लिया, अब शादी भी कर लेता, क्या करता तू ऐसी मजनू बन के बैठे हुआ रहता? कुछ सोचा? उतना सोचने की जरूरत नहीं है मेरे। अच्छी बच्ची है, निकल जाती हाथ से, एक आखिरी बार ट्राई कर ले तू। मैं हाथ से निकलने देता हूँ उसको। अच्छा जान दे, मैं ट्राई करता हूँ। हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो मैं अब्बास बोल रहा हूँ। हाँ जी जो बोलो, क्या बात है? अरे यहाँ मस्तान याकूतपुरा रेलवे ट्रैक पे है भाई। वहाँ क्या कर रहे हो? मस्तान ट्रैक पे लेटे हुआ है, मर जाता हूँ बोल रहा। ये क्या पागलपन है, उसको बोलो वहाँ से हटे। अरे नहीं उठता हूँ बोल रहा, मर गए तक नहीं उठता हूँ बोल रहा। हेलो अरे मस्तान ठहर, कहाँ जा रहा? हेलो अरे मस्तान ठहर, कहाँ चले आ रहा? रुक जा, मत रोक मेरे को, मर जाते हैं जा रहा भाई। अच्छा तुम रखो, मैं बाद में फोन करता हूँ। फोन आ गया, देख नको उठाओ, ने खुद आती देख। ओहो नाजिया, आप क्या तो भी कर रहे हैं भाई अपने को। क्या हुआ रे आरी? हाँ आ रे, लेट जा मस्तान, तुम लोगों का ड्रामा जल्दी खत्म करो रे, ये ट्रैक पे हर 15 मिनट कोई ट्रेन आती, मेरी शादी भी नहीं हुई रे अब तक। जल्दी, पता नहीं लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे, क्या कर रहे हो मस्तान?
अरे उठ जाओ भाई, तमाशा कर रहे हो? बोली ना मैं तुमको, रसम हो गया बोल के मेरा। तुम्हारा रसम हो गया तो कहीं को आए फिर तुम? इन्हों बुलाए बोल के आई। कहीं को बुलाए रहे तू? जाओ बोल, मेरे को मर जाना है। अरे तू मेरा दोस्त है रे, मैं तेको मरते हुआ कैसा छोड़ सकता हूँ? अच्छा तुम आए तो इनको कहीं को लेके आई धूप में? तुम जाना नहीं जी, घर में बैठना नहीं, मालूम नहीं रसम हो गया? मैं अकेले बाहर जाने नहीं दे रहे, इसलिए लेके आई। देखो प्लीज आप ऐसा नको करो, अपना रसम हो गया, इतना टेंशन कहीं को दे रहे मेरे को, जाके घर में बैठना। अरे मैं यहाँ हूँ रे भाई। ले सायरन बज गया मेरे भाई, मस्तान उठ जा, ट्रेन कैसे भी आ सकती है, कभी आ सकता है, मर जाता हूँ, समझाओ सर। उठ जा बाप, प्लीज मेरी गाड़ी देख, समझ जा। ठीक है ठीक है, अब तुम इतना बोल रहे बोल के, उठ जा। देखो भाभी। भाभी कौन भाभी, किसकी भाभी? अरे वो आज नहीं कल हो जाएंगे, मगर जिसे तुम्हारी शादी हो रही ना, वो लड़का सही नहीं है, मैं खुद गवाह हूँ। अरे दोनों भाई बहन निकले हुए यार, मेरे को सब मालूम है, बस मालूम रखते हुए भी कर लेते तुम। जाओ भाई जाओ, यहाँ सच्चे प्यार की कोई कदर नहीं है। अर्बन ग्रिल वेलकम्स यू, एनी ऑर्डर सर प्लीज? एक गिलास जहर लाओ। मस्तान भाई अब प्लीज मेरी बात सुनिए, आप लोगों को एक बात नहीं मालूम, दानिश का रिश्ता शाजिया से होने की एक बहुत बड़ी वजह है। मेरे को सब मालूम। तेरे को कैसा मालूम यार? अरे वही छोटा रे भाई, ये लोग अमीर, वो लोग अमीर, दोनों अमीर, शादी के बहाने बिजनेस डीला होते। अगर यही आलम रहा अमीरों के बच्चियों का, तो गरीबों के बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या गरीब के पास दिल नहीं रहता? अरे गरीब जितना अच्छा संभालता अपनी जरूर, अमीर कहाँ से संभालता? अरे गरीब आप कमाई पे रहता, बाप कमाई पे नहीं रहता। अरे इंसानों से तो अच्छे जानवर आए, कम से कम उनमें फर्क तो नहीं रहता, अमीर गरीब बोल के। जैसा तुम सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। एक मिनट शाजिया, देखो मस्तान भाई, दरअसल बात यह है कि हमारे डैडी दानिश के डैडी की कंपनी में एज ए मैनेजर जॉब करते थे। हमारे डैडी के सर पे बहुत कर्जा था, दानिश के डैडी ने हमारे डैडी की बहुत मदद की। दानिश के डैडी उसके हरकतों से वाकिफ हैं, बाहर चाहे बेटा जितनी भी अय्याशी करे, मगर घर में अच्छी बच्ची लाओ बोलकर शाजिया का रिश्ता दानिश से तय कर दिए। शाजिया को भी ये रिश्ता मंजूर नहीं है, अब तुम ही बोलो क्या करना है। वेरी स्मार्ट, पूरी स्क्रिप्ट समझ में आ गई। इट्स वेरी इजी टू कट द विलन फ्रॉम द स्टोरी, यू नो। जहां काम अच्छा होना है वहां दो लोग आ जाना, और जहां काम बिगाड़ना है वहां तीन लोग आ जाना, जिसमें से दो अच्छे रहना और एक आखिरी दलिंदर को ले जाना पड़ता, जिसकी मौजूदगी से काम बिगड़ जाता। कौन है वो दलिंदर? और कौन? दलिंदर तो ये किला है रे मेरी जिंदगी का, और दानिश तेरी जिंदगी का। दानिश का तो समझ में आ गया, मगर ये किले का क्या किस्सा है गोरे भाई? ये बात है 1990 की, जब महेश भट्ट की आशिकी रिलीज हुई थी और मेरी आशिकी उरुज पे थी। सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। हेलो हेलो, हाँ गोरे भाई से बात करा देंगे? सर मीटिंग में बिजी है ना। अच्छा जैसे मीटिंग से फ्री हो उनको कहना कि नूरजहां का फोन आया था। ओके मैडम। सर सर कोई नूरजहां मैडम का फोन आया था। हेलो। हाँ नूरजहां बोलो, सब खैरियत? कुछ भी खैरियत नहीं है। कहीं को क्या हुआ? पापा का लखनऊ ट्रांसफर हो गया है, और वहाँ उन्होंने मेरी शादी तय कर दी है। आई ले, फिर मेरी मोहब्बत का क्या होगा? अब भी वक्त है, शाम 5 बजे नामपल्ली स्टेशन से हमारी ट्रेन है, वहीं आकर तुम मेरे पापा से मेरा हाथ मांगो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं आ रहा हूँ, जरा दुआ करो मियां मेरे वास्ते। ओके सर। बात है बेटा? जी पापा। कुछ परेशान नजर आ रही हो? नहीं नहीं पापा, चलिए। अरे रोक रोक रोक, अरे रोक, जल्दी जल्दी। क्या हुआ मियां? ये हुआ,
ये दलिंदर किला मेरी जिंदगी का नास्र बन गया। बहुत दर्द भरी स्टोरी है गोरे भाई तुम्हारी। फर्स्ट हाफ था ये, सेकंड हाफ अभी बाकी है। चाय बोलना था, इंटरवल हो गया शायद। तू भी कुछ खाता क्या? आलू टोस्ट, पाव भाजी, चीज सैंडविच, सीताफल मिल्क शेक। मैं मेरे को भी। अरे अपन घर में बैठे हुए, चाट भंडार में नहीं। नूर, अरे मियां मेरी बीवी का नाम क्या है? बेगम बोल दो। बेगम, क्या है जी? तीन कड़क चाय, थोड़े बिस्किट भेजो बाहर। हाँ तो आगे क्या हुआ? मैं दुनिया भुला दूंगा। साला डरपोक, शादी के मंडप से भाग गया। जिस दिन मिलेगा ना, काट डालूंगा साले तेरे को। रो मत बहना, तेरे भाई अभी जिंदा है, आज ये शादी होके रहेगी। ये तू दुल्हन का ड्रेस मत उतार, या कोई तुझे पसंद है तो बता, हम तेरी शादी उसी से करा देंगे। बता बहना बता। उनसे चाल प्यारी तो चल खामोश, तेरे को मेरी बहन से अब कुछ लगा करना है। अरे अरे पहले डूब जा के सत्ते में हूँ मैं। अरे छोड़ो मिया, अरे अरे कहाँ तो मिलने जा रहे हैं, बोलो तो सही मेरे को। अरे अरे मंडप में कहीं बुलाए जा रहे, किसकी शादी है ये? अरे अरे जिंदगी भर के बंधन में बांध दो इन लोगों को। जो मेरे साथ हुआ वो मैं तेरे साथ होने नहीं दूंगा मस्तान। मैं और एक गोरे भाई पैदा होने नहीं दूंगा। वैसे तू ऑलरेडी गोरे छे, अब तक गोरे भाई बगैर सोचे समझे रिश्ते लगाता था, मगर अब एक गलत रिश्ता तोड़ेगा और एक सही रिश्ता जोड़ेगा। पर खास उठ मिया, अरे उठ रे, उठ मिया, फोन बंद करके सोता आखा ले तेरे को। अरे उठ रे, तेरी गर्लफ्रेंड फोन कर रही है देख। हेलो, हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या इतनी सुबह को फोन कर? दावत नहीं आई आज पंचों की? किसकी? मेरे और दानिश की, और किसके? मुबारक। हेलो हेलो, मुबारक क्या मतलब, शर्म नहीं आती तुमको? अरे तुम मंजो में बैठ तो जाओ जी, नहीं होने वाली चीज के बारे में इतना टेंशन के गुले रहे। अच्छा ठीक है, मैं बैठ जाती हूँ, अगर ना होने वाली चीज हुई तो, और अगर हुई तो उसके बाद हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। ओके बाय, खुदा हाफिज़। हेलो, क्या हुआ बौरान दिख रहा? तेरा पीला शर्ट कहाँ है? है घर में, काई को? तू उदा पहन रहा क्या? शेरवानी पहनूंगा मैं। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो बेटा, कैसे हैं आप? आदा पापा। जीते रहो, अंदर चलो। और डांस ठीक। आपको कौन दिए दावत? आपकी अम्मी से पूछ लेना था, मेरा आना अच्छा नहीं लगा आपको। अब तो पूरी शादी में रहूंगा मैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। नौशा के चेहरे पे क्या नूर है, परफेक्ट जोड़ी है देखो। अलेकुम सलाम। अलेकुम सलाम। नहीं नहीं बेटा नहीं, खुश रहो, शादो आबाद रहो। आओ बेटा, आओ बेटा। मेरे इकलौते बेटे की शादी और इतनी खामोशी? अरे कोई हंगामा हो, कुछ नाच गाना हो, कैसे मालूम हो ये हैदराबादी शादी है? वो सब हम देख लेते। ये जो बेले हैं ना, बेले, ये बेले नहीं दरअसल बाला हैं, बाला। इनको दिन के वक्त देखनी चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आते हैं। या पहले जितनी टेंशन है, तुम्हारे बेले बाला नजर आ रहे हैं। मस्तान, तुमको मालूम है ना दो दिन में मेरी शादी है? सही, दो दिन में मेरी भी शादी है। अरे क्या ठंडी बातें कर रहे हो तुमको जरा भी फिक्र नहीं है? कुछ नहीं कर सकते।
जिंदगी पूरी बेफिक्री में गुजरी तो अब कहाँ से आएगी फिकर। मगर फिर भी तुम बेफिक्र उड़ जा, तुम नहीं कर। अरे सुनो जी, तुम भाई बोल रहा था तुम्हारी बच्ची की शादी है, उसी मंडप में अपन दोनों भी निकाह पढ़ा लेंगे। छी, शर्म नहीं आती आपको? छी नहीं, छू। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है पान है ये। अरे अब्बास, किले वाले की आवाज आ रही थी। मैं बोल रहा था आई डोंट हैव किड्स, व्हाई योर किड्स नॉट कॉल मी डैड। हाँ वो पेमेंट लेने आया था, रिश्ता मच लगा है ना। हम लोग आप पूछे क्या लेने आए थे बोल के। देखे कैसे शरीफ बच्चों का रिश्ता लगाया मैं। अब ज्यादा चढ़ाओ ना को, रेड हैंड पकड़े गए तुम। मतलब क्या तो भी हो रहा है ये सब मम्मी? मम्मी आपके वास्ते डैडी ढूंढ लिए। मम्मी? मम्मी नहीं, डैडी बोलो। अब इतना परेशान न कहो, आओ भाव के पैरा पड़ो। आओ दोनों खत्म हो गया, सही समझी क्या लगा? अब आप ही समझाओ इन बच्चियों को। सासू माँ? सासू माँ किसकी? मेरी। दो दिन रह गए शादी को और तुम लोग ये बात अब बोल रहे मेरे को? आई एम सॉरी मम्मी, मैंने आपको बहुत दिनों से अंधेरे में रखा। तुम टेंशन गई को ले रहे खाला, मैं ऐसा पटाखा फोड़ूंगा कि हम सबकी जिंदगियों में उजाला ही चुजाला हो जाएगा। मियां मैं चलूं, रात बहुत हो गई और मेरे गली के कुत्ते बहुत खतरनाक हैं। आप कहां जाते, आपसे ही तो हिम्मत है मस्तान को। क्या मुसीबत है? दानिश के डैडी बहुत खतरनाक है, वो ये शादी नहीं होने देंगे। उससे तो खतरनाक मेरी बीवी है, मैं डर रहा हूं क्या बीवी से? हैं, प्यार किया तो डरना क्या? तो क्या बोलते हैं आप, हमारे साथ आप भी निकाह पढ़ा ले। नॉट ए बैड आइडिया, खर्चा भी बच जाता। नॉट ए बैड आइडिया। अरे क्या होले मशवरे दे रहा मियां, गोरे भाई की जोरू चीर डालेंगी ना उनको। अब भी बोले ना उन्हें, प्यार किया तो डरना क्या बेटी नूरजहां। जो घोड़े पे बाजी खेले वो घोड़ा तो आशिकी की घास चर रहा। तू रेस खेलता क्या? कई कुरे? तू खेलता तो तेरे को मालूम होता था कौन से घोड़े पे कितने पैसे लगाना। ऐसा मैं खेलता हूँ इसलिए मेरे को मालूम। कल जो घोड़े पे पैसे लगाऊंगा ना, ना उन्हें हारेंगा ना आशिकियां करेंगा। फिर क्या करेंगा? खाली फोड़ेंगा। किसकी? अपने फिल्म के विलन की। वैसे ये तेरे घोड़े का नाम क्या है? रोनाल्डो बोलते पावर ऑन जमीन पे से कब्जा हटा दो, ये तो वही जमीन में गाड़ देता हूँ, समझा? वालेकुम सलाम। और क्या बात मस्तान, बहुत दिनों के बाद दिखे बाबा। अरे परसों रफी की शादी में मिले थे ना भाई। अरे वो तो 2 साल हो गए शादी में मिलके, क्या काम है? वो असल में क्या है बोले तो एक मिनट। हेलो, अरे उन्हें उतनी रिक्वेस्ट कर रहा तो उसको माफ कर दे रहे भाई। अरे अरे तू फोन रख, मैं आगे कंप्रोमाइज कराता हूँ। धंधे के टाइम पे फोन आ खाली। हाँ मस्तान बोल, क्या काम है? भाई असल में वो एक काम करना था। कर डालेंगे, काम करने को बैठे हुए। मगर मैं ये बोलना चाह रहा था भाई, उन्हें खतरनाक है और बहुत बुरा मारता। ठीक है, ए मेनू कार्ड दो भाई को। तोड़ने के 5,000, पैरा तोड़ने के 7,000, सर फोड़ने के 25, चरपटे 1,500, टिकट डाउन 3,00,000। हेलो भाई, रघु की हत्या शादी खाते में घुस के तोड़फोड़ कर दिया भाई, आपके छोटे भाई को भी ना बख्शे भाई, चिंदिया फाइटर है। गिराक की फोटो ये लिए है भाई। अच्छा इन्हें है, हमारे पट्टे के फोन पे व्हाट्सएप पे भेज दो। ऑलरेडी फोटो व्हाट्सएप पे भेज दिया उनको जब तुम फोन पे बात कर रहे थे ना। अच्छा भाई काम हो जाएगा ना? स्पॉट पे काम करने में रोनाल्डो बहुत फेमस है समझे। इन्हें बहुत तारीफ करके लेके आया मस्तान आपकी इसलिए। हेलो शुक्रिया भाई, चलना फिर। अच्छा ओके ओके चलते हैं। ओके ओके सर, वी आर कॉलिंग फ्रॉम एयरटेल, योर बिल ऑफ 2000 रुपीस इज ड्यू, यू हैव टू पे इट अदरवाइज। रॉन्ग नंबर।
इट डाउन। बैगन में मिला लो सबको। अम्मा इसको भी मार दिया। तुम दोनों एक साथ जाओ। अटैक। अरे तुम लोग मेरे पट्टे हो गए, मेरे कहीं को मार रहे हैं। तनखा दे दो रे तुम लोग की। अरे तनखा दे दो रे तुम लोग। मेरी जिंदगी भी ये तीन मछलियों की जैसी हो गई। बीच की मोटी मच्छी है नहीं, वो मेरी बीवी है, और ये दो छोटे छोटे मैं और नूरजहां। हाय नूरजहां। हमेशा ख्वाबों में बुलाते हो, कभी हकीकत में भी हमें बुलाया करो। मेरी नूरजहां, कैसा भुलाऊं मैं तुम्हारी याद मेरे दिल से। हाँ, तुमको नहीं मालूम, तुम्हारी याद में मैं रात भर जगता हूँ और दिन में सोता हूँ। शुरू हो गया तुम्हारा? आई बलों को डाल तू। ख्वाबों के शहजादे? फिर से नूर जहाँ के ख्वाबा? मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, इसी तरह से बसर हमने जिंदगी कर ली। अब कोई रास्ता बचेवा नहीं है। तुम तो पहले भी वैसे लव गुरु का काम करते थे, वोइच करो, शाजिया को भूल जाओ, पूरे अपचना खत्म हो। अरे मेरे को भी दिल है रे, मैं भी मर दूं। जोरू होना, बच्चे होना, मेरे को अम्मा बाबा नहीं होंगे, मेरे को है अम्मा बो रहे। आखिर कब तो भी गोद में खिलाएंगा पोता पोती को? पहली बार इतना इमोशनल देख रहा मैं तेरे को। ऐसा है तो चल जाके दानिश की फोड़ देंगे, उससे पहले तेरे को शादी के मंडप में बिठा दे तो चल। अरे सुन रहे भाई, लड़ाई झगड़े से डर लगता मेरे को, अपना कुछ भी नहीं है, सामने वाले कुछ हो गया तो परेशान। अच्छा सुन, मेरे पास एक कमीना आइडिया है। खाला मैं शाजिया के बगैर नहीं जी सकता हूँ, मर जाता हूँ। ऐसा बोला तो सीढ़ी के फिल्मों का हीरो दिख रहा, तो जरा फील ला भाई, एक्शन। खाला मैं शाजिया के बगैर नहीं जी सकता, मर जाता हूँ। एक्टिंग कर रहा, भीख मांग रहा। अरे फील ला रहे भाई, क्या ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी को नहीं देखा? आर्टिस्टिक फील ला, नेचुरल कर, एक्शन। खाला मैं शाजिया के बगैर नहीं जी सकता, मर जाऊंगा। ये है। चल बन गया तो नेचुरल एक्टर, चल। खाला यहाँ है, खाला यहाँ है। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। खाला मैं शाजिया के बगैर नहीं जी सकता। नहीं यार आया रो फील, बाहर खड़े थे ना नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अंडर प्ले टेक। खाला मैं शाजिया के बगैर नहीं जी सकूंगा, मर जाऊंगा। जरा भी फील नहीं आ रहा, मैं तेरे को कैसा समझाऊं? मैं शाजिया के बगैर नहीं जी सकूंगा, मर जाता हूं। ये क्या पागलपन है, छोड़ो। मस्तान क्या कर रहे हो, फेंको चाकू। आई लव यू शाजिया। मस्तान अच्छा ठहरो, मैं दानिश के डैडी से बात करके देखती हूँ। वो लाल वाली दिखाई। हेलो भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बोलिए। वो आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी। सब तो हो गया, अब क्या इम्पोर्टेंट? वो मैं बोल रही थी कि जी वो अगर दानिश को शादी में इंटरेस्ट नहीं है तो। कौन बोले आपको? ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं अगर ऐसा कुछ है तो मैं बोल रही थी कि आप बस मेहंदी और शादी का इंतजाम कीजिए, पैसे की फिक्र मत कीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है। फिर भी अगर आप एक बार सोचे तो, क्योंकि लड़का लड़की दोनों की जिंदगी का सवाल है। शायद ये बात आप भूल रहे हैं भाभी जान, कि ये रिश्ता आपके मरहूम शौहर के सामने हुआ था। और एक बात, हमारे एहसान जो आप लोगों के ऊपर है वो मुझे बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, शादी इसी हफ्ते होगी, खुदा हाफिज़। क्या हुआ आंटी, कुछ बात बनी? एक्सप्रेशन भयानक दिख रहा आपका। मुश्किल दिख रहा नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, बूढ़ा मान गया शायद। नहीं मस्तान, मुश्किल है, अब तुम लोगों के ऊपर अल्लाह ही रहम करे, और कल ही मेहंदी है। हाय
जान जा। जाने जा जन्नत निशा दिल है वही तू है जहां एक बार सुन जाने अदा दिल की सदा यूं ना सता अब मान जा जन्नत निशान ओ जाने जा ओ जाने जा जन्नत निशान दिल है वही तू है जहां एक बार सुन जाने अदा दिल की सदा एक जरूरी दावत में जा रहा हूँ जरा अंदर से परफ्यूम तो लाओ कौन सी दावत किसकी दावत रुखा कहाँ है रुखे पे लिखावा नहीं है गोरे भाई विद फैमिली बोल के अरे मेरे दोस्त की शादी है भाई गोरे भाई विद फ्रेंड्स बोल के आया कार्ड फैमिली कर रहा था तो तुम्हारे को लेके जाता था मैं सब समझ रही हूँ मैं कौन दोस्त किसका दोस्त खामोश कपड़े उतारो बनियान पैजामा पहन कर सो जाओ अब तुम बिला वजह शक करना शुरू करना मेरे पे मैं बोल रहा हूँ मैं जा रहा हूँ मैं जा के रहता हूँ क्या कर लेते देखता हूँ कैसे जाते तुम मैं भी देखती हूँ ना कैसा जाते देखते ये देखो ऐसा जा रहा हूँ अरे 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 रुको रुको जी अरे कौन अरे मैं हूँ मैं अब्बास खोल क्या हुआ दादा एक जरूरी बात है तेरे से या मैं नहीं आता हूँ जा कान में एक बात बोलना है डार्लिंग अरे अब तक तैरने वाह वाह तुम्हारी शादिया का मेहंदी का रस्म है चलो क्यों भर गई तेरी मेरी जलाने को आया जा मैं नहीं आता चल रे अरे खोल रे वहाँ किस्तियाँ उठाना है अच्छा सुन ये देख इतना बुरा लाइट ना खोले रे सुन रे नहीं आता हूँ बोला जा अरे मेरी बात तो सुन चल मियाँ मार के मुंह फोड़ डालूंगा जा अरे सुन मेरी बात खोल रे गोरू कुछ पैसे है तेरे पास कैकू आज शराब पी के पार्टी में पूरी पार्टी की मदर सिस्टर कर देना है तेरे को मेरी कसम है तेरे को शाजिया की कसम है देख मामा शराब पी के किसी का भला नहीं हुआ तू कहीं को पी रहा शराब तू पींगा तेरे पैर डगमगाएंगे पूरा मैटर गड़बड़ हो जाएगा देख अभी भी टाइम है फाइट टिल द लास्ट बैटल दैट इज द स्पिरिट नेवर बैक डाउन चल बाजी अभी भी अपने हाथ में है चल साहबजादे तैयार होके नीचे आइए मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ और हाँ अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अभी बता दो बाद में मुझे कोई तकलीफ नहीं चाहिए इज दैट क्लियर Yes, Dad, it is. Okay. बेटे मैं कार में इंतजार कर रहा हूँ उसको लेके आना ओके जी भाई जल्दी आइए ना हाँ बाबा आ रहा हूँ क्या हुआ भाई आपको नहीं लगता शाजिया आपसे शादी करने में थोड़ी अनइंटरेस्टेड है What? ऐसा मुझे लगा कई बार क्योंकि अब्बास और मेरे पंगे के बाद आई नोटिस उसका दोस्त शाजिया से करीब हो रहा अगर ऐसा है तो शाजिया शादी के बाद पछताएं और वो शादी से पहले पछताएगा बोली ना मर्दाना अलाउड नहीं है बल्कि मर्दाना आना मना है चलो जाओ यहाँ से कितने बार बोलना तुम लोगों को चलो निकलो यहाँ से बेशरम कहेंगे क्या जी खाला हम भी बैठते ना थोड़ी देर जाओ 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 बाहर जाओ क्या खाला सुनते नहीं आजकल के पोट्टे आई कितनी बार बोलना मर्दाना आना मना है आई वीडियोग्राफर है मैं समझी मर्दाना है अस्सलाम वालेकुम सालिम खाला अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा बेशरम तो मैं दिख रहा हूँ जो यहाँ आया सो मेरे से नहीं होता रे भाई मैं जा रहा हूँ ये गलती नको कर यहाँ बैठ के रसम देख खून को उबला और दिमाग के रगों को गर्म करके सोच के मैं शादी कैसे रुकाऊं सही बोल रहा तू इसको रसम तो कर लेने दे आज रात को ऐसा दिमाग चलाता हूँ कल उन्हें मंडप में बैठना ही नहीं ला जरा तेरा फोन दे
कई को फोन? मेरे को काम है रे भाई। लोगा पलटा के मेरे को गालियां देते, आड़े तेड़े नंबरों को नखो मिला। सबू मिलाया तो मिलाया, फारा को नखो मिला। फिकर नको करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हेलो, हाँ अब्बास। अब्बास नहीं, मस्तान बोल रहा हूँ। मस्तान कहाँ हो तुम लोग? आज मेहंदी हो जा रही, कल शादी भी है, कैसा रोकेंगे शादी को? अच्छा जरा शाजिया को नहीं दे सकती, ये तुमको क्या हो गया? यहाँ बहुत लोग आ बैठे हैं। उसको बोलो उसकी सहेली का फोन है, मुस्कान का। रुको शाजिया, ये लो तुम्हारी सहेली मुस्कान का फोन है। हेलो। हेलो मकबूल, कैसा है मेरी जान तू? कि नहीं यहाँ पे है? मैं अच्छी हूँ मुस्कान, तू कैसी है? मैं तेरे बगैर नहीं जी सकता हूँ रे मकबूल, I love you। मैं भी तेरे बगैर जी नहीं सकती हूँ रे मुस्कान। तू कब आ रही है? तुझे पता है ना रसम है आज मेरा। तेरे को एक पप्पी देना दिल बोरा रे मकबूल। मेरा भी रे। तेरी शादी सिर्फ मेरे से ही छूंगी, चल रखता हूँ। ओके बाय। क्या हुआ रे, बात करा मकबूल से? हाँ बाप, मैं बहुत चाहता हूँ मकबूल को, मैं उसके बगैर मर जाता हूँ। मेरे को नहीं चाहता रे तू? ये क्या है भाई, तू तो मेरी जान है। तू कोने में आ, तेरे को एक चीज बताना है, चल। क्या बताने वाले आ रहे इन लोग? अरे अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आइए तशरीफ रखिए। खुशामदीद, हम सब आपका तहदिल से इस्तकबाल करते हैं। माशाल्लाह, सारे जहां का नूर यही जमा हो गया है, इसे कहते हैं हैदराबादी जलवा। टिपिकल हैदराबादी। लेट्स गो। चलिए आइए, जो भी होगा अच्छा होगा। घुस रहे अंदर। मस्तान कहाँ है तुम? हम लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं, क्या होगा अब? कुछ नहीं हो सकता। अब एक ही रास्ता है, जाके दानिश के बाबू को बोलो मैं ये शादी नहीं कर सकती। बोलो। आपको पहले ही बोली थी ना मैं, कितना मुश्किल है बोल के। इतना सब होने के बाद अब हम लोगों पे ढकेल। मेरे साथ भी ऐसी हुआ, मैं 5th क्लास में था, एक पुट्टी को बहुत चाहता था, प्लीज डोंट माइंड, लव लेटर भी लिखाया। लिखाया? अरे सुन रे, मेरे दोस्त की हैंडराइटिंग अच्छी थी, बोल मेरे थे, लिखाया उससे, पहुंचाया एक से, पुट्टी तीनों की। जब से आशिकी का भूत उतर गया, इसलिए मैं अरेंज मैरिज कर रहा हूँ। नाजिया डार्लिंग, आई लव टू लव यू बेबी। अब्बास, इस टाइम पे भी तुम्हारा मजाक सूझ रहे? खुद का हो गया तो दोस्त के बारे में जरा भी नहीं सोच रहे। दोस्त खुद लाइट ले रहा तो मैं क्या करूं? दोस्त कॉन्फिडेंट है बोल के लाइट ले रहा, तारीख गवाह है। इंपॉर्टेंट बात है, अगर मैं तुम्हारे को अपनी दुल्हन नहीं बना तो मेरा नाम भी मस्तान। क्या हो रहा मियां, तेरी शादी नहीं हुई ना? तू क्या कर रहा वहां कोने में, तेरी भी शादी नहीं हुई? यस, जुम्मे की रात है, जुम्मे की बात है, अल्लाह बचाए तेरे तेरे रास्ते। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे जनाना कहाँ है? क्या बोले? मेरा मतलब है लड़की वाले कहाँ है? वहाँ पर मर्दाना अलाउड नहीं है। ऐसा कोई जनाना नहीं बना जो ये मर्दाने को रोक सके। अंदर कैसे आए आप? फाटक खुली थी, आ गए, हमने तो क्या बंदर आएंगे अंदर। गेट आउट। वैसे आप काफी ग्लैमरस लग रही है उम्र में भी, ब्यूटीफुल। डू इट, कम ऑन कम ऑन। पुरानी इमारत को चुना डाल लेते ठहरे हुए नू। हमारा नूर कहाँ है कि यहाँ तो पूरा अंधेरा ही दिख रहा, कौन से रूम में बैठेंगे जाएंगे नू? रसम के लिए दुल्हन को लेके आओ नूर जहाँ। शादी तुम्हारी बेटी की हो रही मगर दुल्हन तुम दिख रही। माँ कसम, इस बेरहम दुनिया का खौफ ना होता तो आज इसी वक्त तुम्हारे यहाँ से अपनी दुल्हन बना के ले जाता। जा रही हैं। सभी मेहमानों को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं बेहद खुशी के साथ आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ये जो पैलेस आप लोग देख रहे हैं, ये मेरे अजीज दोस्त मरहूम नवाब यार जंग की निशानी है। वो चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी मेरे बेटे दानिश के साथ हो, यहीं पर। डैड, मेहंदी की रस्म शुरू करें? नहीं, किसी में हिम्मत जो ये रस्म तोड़ दे, खुदा आसमां में बनाता है जोड़े। यार मेरा बन के
दूला रौनक कितनी लाया है, देखो इसका सहरा जैसे जन्नत से सज के आया है। रहे तुम्हारी जोड़ी सलामत यार तुझको ये शादी मुबारक, रहे तुम्हारी जोड़ी सलामत यार तुझको ये शादी मुबारक, दूल्हे को फूलों का सहरा दुल्हन को ये खुशी मुबारक, दूल्हे को फूलों का सहरा दुल्हन को ये खुशी मुबारक। आई है पिज़्ज़ा आज पैगाम ये लेके, महफिल भी ये इसकी खुशबू से महके, सभी दोस्तों ने मुबारक कहा है, एक दोस्त तो अपना दुल्हा बना है, चांद भी ये कहता है मुस्कुरा के, होती है सदके खुद चांदनी भी आके। रहे तुम्हारी जोड़ी सलामत यार तुझको ये शादी मुबारक, को फूलों का सहरा दुल्हन को ये खुशी मुबारक, दुल्हे को फूलों का सहरा दुल्हन को ये खुशी मुबारक। बड़े लाड़ों से तू है पली, खिलते फूलों में जैसे कली, घर ससुराल के तू है चली, देख के हमको जुदाई भली, लोरिया गा के पाला तुझे, देख के मौका निभाला तुझे, हे शादी का मंजर हसी, मगर अश्क आंखों में रुकते नहीं, मेरे यार तुझको मुबारक ये शादी तुझको मुबारक, मेरे यार तुझको मुबारक ये शादी तुझको मुबारक, रहे तुम्हारी जोड़ी सलामत यार तुझको ये शादी मुबारक, रहे तुम्हारी जोड़ी सलामत यार तुझको ये शादी मुबारक। फ्यूचर कहीं देख रहा हूं मैं, टिंकी बार है, तेरे हाथ में ग्लास है और बैकग्राउंड में गाना चल रहा, तेरा गम अगर न होता तो शराब। अरे अब्बास मस्तान, एक रिक्वेस्ट है तुम लोगों से। जी। अब क्या रिक्वेस्ट है, खाली रिक्वेस्टों पे रह गई मेरी जिंदगी खाला। अरे जानी को अपने रूम में ले लो ना, वो क्या है ना मेहमान बहुत ज्यादा है और जगह बहुत कम। नको बाजी नको, मैं यहीं बाहर सो जाता हूँ भाई, इनके साथ बाहर नको, सोए नको। तो मच्छर काटते और बाजुई जंगल है, शेर भी आ सकता। जंगल में रहता हूँ मगर इन लोगों के साथ नहीं रहता बाजी। क्यों रे, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, आप जाओ, हम लोग इनको लेके सो जाते। अरे चलो यार, क्या होता? नको नको, मैं नहीं, नहीं। चलो अरे। टीवी पे HBO चैनल देखेंगे, टेंशन नहीं, सो जाए। पहले कपड़े उतारना है, वैसे थोड़ी मेरे को अब होना, अब नहीं दे सकता मैं। कब देता? मेरा जब दिल बोला जब देता। तेरा दिल जब बोले ले लेता, मेरा दिल जब बोले नहीं देता। अब होना मेरे को, अब नहीं दे सकता। अरे भाई मैं, शादी का माहौल है, रात का टाइम है, पूरे लोग हैं, बाद में देता हूँ।
शादी का माहौल रहो, वलीमे का माहौल रहो, दिन रहो रात रहो, कुछ भी नहीं देखा मैं। सुबह शाम हर टाइम तू जब पूछे जब दिया। अरे मैं दे देता हूँ रे तेरे को, टाइम आन दे। मेरे को अब होना कुछ भी नहीं मालूम मेरे को, अब देना तू मेरे को। अब भी छो ना। ठीक है चल वहां पे। वहां क्या है? वहां पे पैंट है। पैंट में क्या है? पैंट में से देता हूँ। तू पैंट पहन के दे, लुंगी पहन के दे, चट्टी पहन के दे, मेरे को अब दे तू। चल रे तेरे को देख देता हूँ। हाथ हटा, हाथ हटा, मैं दे रहा हूँ हाथ हटा। तू हाथ आंदा दल के लिया सो भूल गया? मैं भी ऐसे छुपा छुपा के दिया तेरे को। और ना मेरे को जितना दे रहा हूँ उतना ले ले। देख तू नहीं दिया तो मैं पुकारता हूँ। देख ये क्या रुला रुला के दे रहा भाई तू? मैं बड़ा हूँ, जितना दे रहा हूँ उतना ले लेना। बड़ा है बोल के छोटो पे रोक जमा रहा तू। ये हुई ना बात। कथा कह के दिया रे भाई। वाह वाह वाह। ऐसा टाइम पे दे दिए तो कितना अच्छा रहता, दूसरी बार देने को भी दिल बोलता। लेते रहना देते रहना, हमारे को भी जरूरत पड़ती भाई, आखिर हम भी इंसान है। तुम होना बोले तो दे दिए ना, अब इंसान की तरह सो जा रहे भाई। कहाँ जा रहा है भाई? अरे फोन रख भाई, जीएमडी रखो कर। अरे मकबूल तेरे को फूला कैसे लगा बोला रे? मैं जरा सही लगा मियां, मालूम नहीं किसकी शादी है। अरे क्या मियां, नहीं मैं अब तक तरकारियां काट रहा, मैं दुनिया के कामा बच्चे में गोश्त तुम्हारे अब्बा काटते। हाँ खालिद भाई कौन है? अरे जरा जल्दी आओ भाई, हैदराबादी शादी कैसे नको आओ, निके से पहले रहो। अरे मियां वो लाइटा किचकिच नको कर, जरा एक के बाजू एक लगा, एक चमकना है खामोश रहना। सॉरी बाप, मेरा भी ससुराल है, मेरे को भी करना पड़ता। अब मैं ये सोच रहा हूँ कैसा होगा तेरा, मेरे को खुद नहीं मालूम है। अरे अब्बास मस्तान, मैं तुम लोगों की ढूंढ रहा था, तुम ना यहाँ बैठे हुए हैं। क्या हुआ सर, हो गया क्या तुम्हारा? अरे मेरा भी हो जाता, इसका भी हो जाता। क्या होता बैगन? कुछ भी नहीं होता। अरे दीवाने बता नको कर, दिल पे लिए तो क्या नहीं हो सकता। मेरे को देख, नूर जहाँ के वास्ते मैं मेरी जोरू को घर में लॉक करके आ गया, कौन क्या उखड़ लिया मेरा? हा? सही है ना? बोलना क्या चाह रहे हैं तुम? तू इधर आ। अब सुप्रीमो की सीक्रेट प्लानिंग सुनो। अबू पहलवान बोल के एक रौड़ी है, इस वक्त उन्हें जेल में है। दानिश का उसकी बहन के साथ चक्कर था, दानिश उसको लाइट ले लिया तो बिचारी रोते हुए मेरे पास आई थी। तो मेरा दिमाग चला, अगर अब इसकी शादी होना बोले तो अबू पहलवान का क्लाइमेक्स में एंट्री होना जरूरी है। गोरे भाई बोल, एक बात बोलो। बोल। मेरा दिल पहले से बोरा था, मेरा रिश्ता तुम करेंगे? छोड़ छोड़। गोरे भाई तुम्हारी फीस कितनी है बोलो? अरे रहने दे, तुम्हारी फीस कितनी है बोलो? ऐसी बात कर रहा? अरे इससे पैसे ले तुम्हें। अरे तेरे वास्ते डिस्काउंट है रे, मगर मैं जैसा बोले वैसा करो। जाओ बेटा दानिश, अब होगा तू शादी से वैनिश। चल यार टाइम कम है, चल चल। मेरे ख्यालों की मलिका। हेलो कौन? दानिश बोल रहा हूँ। बहुत प्यारी है रे तेरी बहन। कले थी कले, बहन को खाऊं उसको फूल मंच बना। अरे शुक्रिया उक्रिया बोलने की कोई जरूरत नहीं है रे छोटे, ये तो मेरा पेशा है। अब तक कितने कलियों को फूल बनाया मेरे को खुद को नहीं मालूम। अच्छा सुन रे, मेरा एक दोस्त है उसका भी दिल आ गया तेरी बहन पे। ए देख जरा एक मिनट उससे बात कर ले। रे अब्बू इतनी खूबसूरत बहन रहे तेरी, दो कली को फूल बना दिए, मगर मैं वो भूल का गुलखन बनाऊंगा। गुलखन बना के रोज पान में डाल के खाऊंगा। मैं खा लिए बात, मेरा और एक दोस्त है। अब तू समझ जा, आगे बोलने की जरूरत नहीं है मेरे को। रखता हूँ छोड़े, हाँ टेक केयर मामा। और एक बहन है क्या पूछ? अब तो खुश है ना, अब उपलान आता ही छूंगा। मेरे को तो डाउट है, लड़ाई झगड़ा तमाशा होगा तो परेशानी होगी। मैं तो चाह रहा हूँ लड़ाई होने ही, एक बार अच्छा फसाद हो गया ना तो पूरों के पोलामी खुल जाते, थोड़ी देर का टेंशन जिंदगी भर का सुकून हो जाता। मैं पहले बोला तुम लोग दानिश के बाबा से अगर बात कर लेते ना तो आज ये नौबत नहीं आती थी।
मेरे को तो बहुत डर लग रहा है। शादी का दिन है और दुनिया भर के काम आए, इस टेंशन में तो भाई मेरे से कुछ नहीं हो रहा है। देखो सासू जी, गोरे भाई का ये आखिरी पत्ता था, लग गया तो ये शादी रुक जाएंगी, नहीं तो मैं इनकी लगा देता हूँ। हाँ क्या लगा देता रे, हाँ काली ठंडा बैठा हुआ था वो तो, अच्छा हुआ एंड टाइम पे मैं आइडिया दे तेरे को अब्बू पहलवान का, नहीं तो काली हाथा मल लेते रह जाता था। देखो गोरे भाई, मेरा अगर साथ हुआ तो तुम्हारा भी होने रहता है। अब आप ये दोनों लड़ाई झगड़ा बंद करो, बस दुआ करो जो भी हो अच्छा हो। वो सोप हमला देख लेते, चलो बैगन के आइडिया दो खाली। मुरझा मैं ये सब क्या सुन रही हूँ, सच सच बताओ मुझे क्या बात है? क्या बताओ मम्मी, ये मस्तान से प्यार करती है। टाइम क्या हो रहा, 10:30 बज रहे। क्या बोलता अब्बू आएगा? मेरा दिल बोल रहा अब्बू जरूर आएगा। तेरा दिल टाइम नहीं बोल रहा, उन्हें कितने बजे तक आएगा? नहीं बोल रहा, देख अभी भी टाइम है, जाके दानिश के भाव को बोल देंगे। सोप राइट हो जाता मसला। जब कोई चीज बिना मेहनत के हो रही तो होने देना रे भाई, तू टेंशन कहीं को ले रहा? कॉन्फिडेंस आखिरी हो गया तेरा, इन्हें हैबत में दिख रहा। नहीं होती इससे शादी, तू टेंशन नक को ले, पसीने देख लिया मैं इसके। हेलो, हाँ मुझतबा, हाँ हाँ ठीक है, ओके। उनका तो पता नहीं। ओ, क्या खाजी साहब देर हो गई? नौशा आ गए जनाब। आओ आगे चलो। अस्सलाम वालेकुम। वासलाम वासलाम, जरा जल्दी निकाल पड़ा दो। ये विलायती दूल्हा दिख रहा, ना सेरा पहना ना फूल पहना, क्या जमाना आ गया। वहाँ कहीं को बैठे मसनत है ना? देखा ही नहीं तेरे को नौशा समझ रहा, चाह चली आगे बढ़िया हो जाता काम। मिया किसमें गिरामी? किसमें गिरा? अरे किसमें गिरा नहीं, इसमें गिरामी। मैं तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ। मस्तान खान। मस्तान खान, मस्तान खान। वल्दियत? क्या वल्दियत? पहले नाम पूछा, अब तनख्वाह पूछ रहा हूँ। तनख्वाह? महीने को 15,000 रुपए, 10,000 रुपए की कमाई। लिख लो। हाँ अरे क्या दिमाग खराब है, मैं तुम्हारे बाबा का नाम पूछ रहा हूँ। अरे ऐसा उर्दू में पूछो ना भाई, मोहम्मद खान। अरे पहले टाइम नहीं है मियां, मेरे पास सीजन चल रहा बाबा। लिख लीजिए। सुकूनत, सुकूनत। मोबाइल नंबर 99856। अरे अरे मैं तुम्हारा फोन नंबर नहीं पूछ रहा हूँ मियां, कहाँ रहते पूछ रहा हूँ। अरे ऐसा उर्दू में पूछो ना भाई, नूरखां बाजार। नूरखां बाजार, नूरखां बाजार। तारा जल्दी ली करो ना खाजी साहब। चलो दस्तखत करो, करके दे दे जल्दी। इनो कौन है? नौशा इनुच है। इनो नौशा है जी। फिर इनो कौन है? मैं इसका दोस्त हूँ। अरे फिर यहाँ कहीं को बैठे मियां, वहाँ जाके बैठो। तुम ही बैठो बोले ना यारो। अरे मियाँ तुम यहाँ पे बैठना छोड़ के इधर उधर घूमते, बैठना ना यहाँ पे। बैठो ना। अब इनो क्या क्या बोलते कि क्या है कि जनाब आपका इसमें गिरामी। गलत फहमी हुई थी, गवाह समझ के बिठा दिए थे। इसमें गिरामी। नाम बोलो, नाम पूछ रहे यारो, तुम्हारा नाम? दानिश, दानिश खान। क्या कमीना है इन्हें? वल्दियत। एक मिनट मैं समझाता हूँ, तुम्हारे वालिद साहब का नाम क्या है बोलो? सलीम खान। अगर सही, सलीम खान लिखिए। अरे इन्हें तो बहुत दम कर दे रहा, शादी नहीं हुई शायद कम बखत। सुकूनत। एक मिनट मैं समझाता हूँ, सुकूनत बोले तो तुम कहाँ रहते पूछ रहे हैं बोलो? मलकपेट। मलकपेट। अब मेरी क्या जरूरत है मियां तुझ पढ़ा देने का, थोड़ी और उर्दू सीख गया तो दूल्हे को बेच देता ही नहीं। तेरा अब्बू आए जैसा नहीं दिख रहा।
अच्छा हुआ बैतुल खला का रास्ता नहीं पूछा मैं इससे। चलो मियां दस्तखत करो। जरा मैं दुल्हन की लेके आता हूँ दस्तखत। पहले सीजन चल रहा है मियां, टाइम नहीं है मेरे पास। अरे दानिश कहाँ रे साले तू? तेरे को नहीं छोड़ूंगा आज मैं। ये क्या तमाशा है? क्या हो रहा है ये सब? कौन हो तुम? तुम कौन है? लड़के का बाप हूँ। लड़के का बाप है? क्या करा मालूम? तुम्हारा लड़का मेरी मासूम बहन के साथ खेल लिया। सिलक गया शादी खाना, खामोश चलो यहाँ से। मेरे पे चूटी इल्जाम लगा के मेरे को अंदर कराया, उसीलिए मेरे को जेल को भी जाना पड़ा, ना हक जाना पड़ा। क्यों मानूं तुम्हारी बात? क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत होना तुम्हारे? हाँ सबूत होना मेरे। दो मिनट में बताता हूँ सबूत। ये देखो सबूत होना कहते सबूत इनको, उसको खत्म इस कर दे तुम्हें आज। निकाह होगा भाई? लोग दलाने में झाकते, तुम लोग मर्दाने में झाक रहे। दानिश क्या ये सब? डैडी ये सब झूठ है डैडी, मैं इस लड़की को जानता भी नहीं। खामोश, बस और कुछ नहीं सुनना। अंकल अंकल, अगर आप सच्चे इंसान हैं, मेरी बहन की जिंदगी खराब होने से आप बचा लेंगे। सुनिए, मैं आपकी बहन की शादी मेरे बच्चे के साथ करा सकता हूँ। हो गए चूल्हे ठंडे, क्या टाइम पे आया रे। लेकिन जिसके साथ इसका रिश्ता हुआ है उनको क्या जवाब दूंगा? दानिश मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारी शादी कभी रोकना नहीं चाहती थी। वो तो भैया मुझे जबरदस्ती यहाँ पर लेकर आए। अगर मैं तुमसे नफरत कर रही होती तो शायद ये तमाशा बहुत पहले हो चुका होता। सुनो हाँ। सच्चा प्यार बड़ी मुश्किल से मिलता, समझे? प्यार क्या है मेरे दिल से पूछो मियाँ। जो धोखा तुम अब्बू की बहन के साथ करे, वही धोखा अगर कोई तुम्हारी बहन के साथ करता तो तुम पे क्या गुजरती थी मियाँ, बोलो। हाँ मैं तुम्हारे को रोड पे लेटा के रोड रोलर से फिनिश कर देने वाला था, मगर ये लड़की रुका दी मेरे को। दिल से चाहती तुम्हारे को, शादी कर लो, खुश रहेंगे। प्लीज दानिश। मिल गया हंसों का जोड़ा। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं अपने भाभी जी को क्या जवाब दूंगा? अंकल ये उधर रखो, अगर आपको कोई एतराज नहीं है तो लड़का रेडी है हमारे पास। देखिए हालात आप लोगों के सामने है, जो आप ठीक समझे। हाँ हाँ भाई साहब, जैसा आप मुनासिब समझे। तो आपकी बेटी शाजिया की शादी, क्या नाम है बेटे आपका? मस्तान, मस्तान अंकल मेरा। मस्तान के साथ? और मेरे बेटे दानिश की शादी? नेहा, नेहा अंकल। नेहा क्या अल्लाह। बेटे मान जा मेरे बच्चे। दानिश मेरे बच्चे मान जा, खुश रहेगा तू। प्लीज पापा की बात मान ले मेरे प्लीज, बच्चे दानिश। ठीक है पापा। यस यस। गोरे नहीं छोड़ूंगी, मेरे को धोखा नहीं दे सकते। इतना लेट आते, दावत खत्म हो गई ना? हो तो गया तुम्हारा। अरे खुदा के वास्ते चीखो ना कोई, या मेरी इज्जत है? है मैं लोगों की शादियां करा तो आज देखो तीन तीन शादियां कराया मैंने। एक दिन में तीन तीन शादियां? हो अगर तुम इजाजत दिए तो चौथी कर ले तो। क्या फिक्र ना को करो, मैं दोनों को बराबर देखता हूँ, तुमको भी उसको भी। ये नहीं हो सकता, तुम्हारा खून पी जाऊंगी जी मैं। अच्छा अपन घर जाके बाद में बात करेंगे, क्या साड़ी में क्या दिख रहे तुम? चलाओ शादी में जाएंगे, आओ जाओ। अरे गोरे फंस गया, अब क्या करता हूँ। चले जाएंगे मेरे साथ। और संडे के दिन